हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 23 ऑफ थर्ड क्लास ईवीएस, अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 23 अ ब्यूटीफुल क्लॉथ का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अ ब्यूटीफुल क्लॉथ मीन्स होता है एक सुंदर कपड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डू यू थिंक सजिदास दुपट्टा वॉश मेड? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है सजिदा का दुपट्टा कैसे बनाया गया था? सजिदा दुपट्टा वॉश मेड, सजिदा का दुपट्टा कैसे बनाया गया था, आपको क्या लगता है? इसका आंसर आ जाएगा, सजिदा दुपट्टा इज मेड ऑफ क्लॉथ विच इज ओवन एथर बाय वेवर्स और बाय अ मशीन। ठीक है, सजीदा का दुपट्टा कपड़े से बना होता है, सजीदा का दुपट्टा कपड़े से बना होता है जिसे बुनकर या मशीन द्वारा बुना जाता है, जिसे बुनकर या मशीन द्वारा बुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टेट क्लॉथ। दुपट्टे या बिना सिले कपड़े का लंबा टुकड़ा ले। ठीक है, दुपट्टे या बिना सिले अनस्टिच्ड कपड़े का टुकड़े कपड़ा ले। ड्रॉप इट इन डिफरेंट वेज, इन नाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट। इसे अलग अलग तरीके से ड्रेप करें, ड्रेप इट इन डिफरेंट वे, इसे अलग अलग तरीके से ड्रेप करें। इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट, कितने तरीके से आप इसे पहन सकते हैं, कितने तरीके से आप इसे पहन सकते हैं। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं, द दुपट्टा कैन बी वर्न अलोंग विथ द इंडियन ट्रेडिशनल वेयर लाइक सलवार कमीज और लहंगा बाय ओमेन। दुपट्टा भारतीय पारंपरिक परिधान जैसे सलवार कमीज या महिलाओं के द्वारा लहंगे के साथ पहना जा सकता है, या लहंगे के साथ पहना जा सकता है। इट कैन आल्सो बी वॉर्म और वेस्टर्न वेयर अदर अस स्कार्फ आर अ स्टॉल। इस वेस्टर्न वेयर के साथ स्कार्फ या स्टॉल के रूप में भी पहना जा सकता है। ठीक है, इसे वेस्टर्न वेयर के साथ या स्कार्फ या स्टॉल के रूप में भी पहना जा सकता है। हाउएवर मैन कैन आल्सो वेयर इट इन द फॉर्म ऑफ ए टर्बन चोटी और अज अ रैप अराउंड एडियर। हालांकि पुरुष इसे पगड़ी धोती के रूप में या रैप अराउंडर पोशाक के रूप में भी पहन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट अस अ टर्बन। क्या किसी ने इसे लुंगी की तरह पहना या पगड़ी के रूप में इस्तेमाल किया? Did anyone wear it like a लुंगी? क्या किसी ने इसे लुंगी के रूप में पहना? Use it as a turban. Turban means होता है पगड़ी। ठीक है, या पगड़ी के रूप में इस्तेमाल किया? In what others way was the cloth warm? कपड़ा किन तरीकों से पहना जाता है? इसका आंसर आ जाएगा, Yes, men can wear I like a लुंगी और
धोती एंड लाइक टर्बन टू। हाँ, पुरुष इसे लुंगी या धोती की तरह पहन सकते हैं, लुंगी या धोती की तरह पहन सकते हैं और पगड़ी की तरह भी, और एक पगड़ी की तरह भी पहन सकते। वुमेन कैन वेयर इट लाइक अ साड़ी विथ स्मॉल पीट्स एंड वेयर इट और सलवार कमीज आर लहंगा टू। और महिलाएं इसे छोटे प्लेट्स के साथ साड़ी की तरह पहन सकती है और इसे सलवार कमीज या लहंगा पर भी पहन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। लुक एट अ थिक क्लॉथ आर अ सैक केयरफुली। एक मोटे कपड़े या एक बोरी को ध्यान से देखिए। लुक एट अ थिक क्लॉथ आर अ सैक केयरफुली। एक मोटे कपड़े या एक बोरी को ध्यान से देखिए। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या आप धागे को उसकी लंबाई और चौड़ाई के साथ देख सकते हैं। यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। यदि आप कपड़े के किसी भी टुकड़े को करीब से देखेंगे तो आपको एक समान पैटर्न मिलेगा। इसका आंसर देख लेते हैं। यस, आई कैन सी द थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लॉथ। Also noticed a similar pattern when I checked the other piece of cloth closely. Answer में बताया गया है, हाँ, yes, I can see the threads running along the length and breadth. मैं कपड़े की लंबाई और चौड़ाई के साथ चलने वाले धागे देख सकता हूँ। I also noticed a similar pattern when I checked another piece of cloth closely. मैंने एक समान पैटर्न पर भी ध्यान दिया। जब मैंने कपड़े के दूसरे टुकड़े को बारीक से जांचा। ठीक है, मैंने दूसरे कपड़े को बारीक से चेक किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट एनी सिक्स गारमेंट्स एट होम। घर पर किसी भी छत कपड़ों को देखिए। घर पर किसी भी छह कपड़ों को देखें। What different do you find in their texture, their colors and design? आप उनकी बनावट, उनके रंग और डिजाइन में क्या अंतर पाते हैं? What different do you find in their texture, their color and design? आप उनकी बनावट, उनके रंग और डिजाइन में क्या अंतर पाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, दीज आर द डिफरेंट दैट वी ऑब्जर्व अमंग द सिक्स डिफरेंट गारमेंट्स एट होम। ये वे अंतर हैं जो मैंने घर पर छह अलग अलग कपड़ों में देखे हैं। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है, सम गारमेंट्स आर ब्राइट इन कलर। कुछ वस्त्र चमकीले रंग के होते हैं। कुछ वस्त्र चमकीले रंग के होते हैं। ठीक है, वेयर देयर आर गारमेंट्स विच हैव डल कलर्स। जबकि कुछ वस्त्र जैसे होते हैं जिनके रंग हल्के होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी पॉइंट पे दिया गया है, सम गारमेंट्स है वह रफ टेक्सचर्स। कुछ कपड़ों की बनावट खुरदुरी होती है। ठीक है, कैसी होती है? रफ टेक्सचर। व्हाइल सम अदर्स है वह स्मूथ टेक्सचर एंड फिनिश। कुछ कपड़ों की बनावट चिकनी और खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी नंबर पे, सम गारमेंट्स हैव एन एब्रॉड कॉम्प्लेक्स डिजाइन, वेरस अदर्स हैव अ सिंपल डिजाइन ऑन देम। कुछ कपड़ों में एक विस्तृत जटिल डिजाइन होती है जबकि अन्य पर एक सरल डिजाइन होती है। ठीक है,